हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी हरी प्याज की सब्जी। ये स्प्रिंग ऑनियन है, आधा किलो मैंने धो के इसको काट लिया है। और ये लिए मैंने एक गाजर, इसको बारीक बारीक काट लिए। मटर लिए एक कटोरी, एक टमाटर ले लिया है काट के। और तड़के के लिए मैं लूंगी साबुत धनिया और ये मिर्च, साबुत सूखी मिर्च है ये, इससे बहुत टेस्टी बनता है। और ये मैंने प्याज ले ली एक छोटी, दो हरी मिर्च ली है काट लिया है बारीक, लहसुन ली है 2-4 ग्री और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए बनाते हैं। और मसाले हम सारे लेंगे, सभी मसाले हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप किसी भी ऑयल में बना सकते हो इसको। और इसमें गाजर मटर डाल के इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी का। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालूंगी मैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जीरा, साबुत धनिया, इससे टेस्ट अच्छा आता है इसका। और एक मिर्च साबुत। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी। अब डालेंगे इसमें लहसुन, हरी मिर्च डाल देंगे। अनियन भी डाल देंगे। इसको हल्का ब्राउन करेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे। इसी में कैरेट डाल दूंगी। मटर भी डाल देंगे। इसको 3-4 मिनट भूनेंगे। इसको हल्का सा चलाते रहेंगे। सब्जी भुन चुकी है, इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, मसाले टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला भी अभी डाल दूंगी। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब अनियन डाल देंगे ये। धीरे से इसको चलाएंगे। टमाटर हम लास्ट में डालेंगे, जब ये थोड़ी सी गल जाएगी सब्जी तभी हम टमाटर डाल देंगे इसमें, वरना गाजर मटर कच्ची रह जाएगी। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कम ज्यादा जैसे आपको खाना हो उसी तरह से। और इसको चला लेंगे, इसको हमने चला लिया अच्छे से। अब इसको कवर कर देंगे, इसमें पानी की जरूरत नहीं होती, हमारी प्याज खुद ही छोड़ देती है। इसको कवर कर देंगे और गैस को मीडियम कर देंगे। बीच बीच में इसको 2-3 बार चलाएंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं,
ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसे खोल के पकाएंगे, ढकेंगे नहीं इसको। और टमाटर में डाल दूंगी इसमें, अब एक टमाटर लिया था मैंने, इसको काट लिया। इसको मीडियम आंच पे हम इसे खोल के ही पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए हमने इसको खोल के पकाया है, पानी सूख गया इसका और सब्जी भी बन गई है। बस एक मिनट इसको और भूनोगी, इसके बाद सब्जी हमारी रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, इस तरह आप भी बनाइए। सब्जी बन चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और मैं एक बाउल में सब्जी को ट्रांसफर कर लूंगी। चलिए सब्जी को निकाल लेती हूँ एक बाउल में। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है, आप भी इस तरह से बनाइए, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।